है ये शीश पदम, कौन है ये लखदाता, क्यों सिर्फ शीश का शिकार स्वरूप है, कौन है नीले का सवार, कौन है हारे का सहारा। दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के मंदिर के बाहर लिखा जय श्री राम, तो क्यों खाटू के दरवाजे में लिखा हारे का सहारा। बाबा श्याम क्या है ये तीन बाण, जरा ध्यान से सुनिएगा, मात्र 10 मिनट देना, पूरे श्याम दरबार में खाटू में क्या है, दुनिया इतनी दीवानी क्यों है, इस दरबार में चमत्कार क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा प्रेम से। हरे का तू है सहारा सवेरे, हमने भी तुझको पुकारा साले। इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठाकर एक बार इजाजत दे देना जो सुनना चाहते हो, और मिलकर गाना हरे का तू है सहारा सवेरे, हमने भी तुझको के नारायणी सेना पर्वों के पास है पांडव पंथ
कमजोर होगी। माँ बोली जा, लेकिन जाने से पहले दो वचन देकर जा। पहला वचन, अरे इन दोनों वचनों को याद रखना, कोई भी कुछ भी मांग ले तो मना नहीं करेगा। बरबरी एक नतमस्तक होकर चल पड़े और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ मंदी की हमारे बाबा श्याम दोनों हाथ खोलकर स्वागत करता प्रेम से। बोला ये कैसा वचन दे दिया हारे का सहारा।
जोड़ दिए। अब जरा ध्यान से सुनना, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बरबरी, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किन्हीं तीन महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बरबरी तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बरबरी ने अपनी मां को वचन दिया था कि रस्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करेगा। बात सुनते ही बरबरी ने तलवार निकाल दी, बोले प्रभु शीश दान में दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने श्री रूप में आइए, ये मार्मिक का लाल आपको शीश दान करने का वादा करता है। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर झोली पसार कर खड़ा हो गया। कृष्णा भगवान
श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखा। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आया। जहां तेरा बाण चलता था अर्जुन, वहां कन्हैया का सुदर्शन चक्र चलता था। प्रेमियों, कन्हैया को ये बात इतनी पसंद आई, सुनना, वरदान दे दिया कि जाओ बरबरी, कलयुग में जो मैंने तुम्हें शीश में अमृत पिलाया है, तुम्हारे इस शीश को अमर करता हूं। कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, जो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तुमने तुम्हारी मां का वचन दिया था कि जो हारेगा उसका सहारा बनोगे। जाओ, तुम्हारे उस वचन को वरदान करता हूं। मेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी, क्योंकि हारे के सहारे की। दूसरा वचन दिया था, रस्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा इंतजार नहीं करेगा। जा, तेरे इस वचन को वरदान बनाता हूं। तेरे दरबार में जो भी पहली बार सच्ची श्रद्धा से आ जाएगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा, तेरे दरबार में वरदान देता हूं। प्रेमियों, ये कोई और नहीं, ये वही चौथा वरदान मिला कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तेरी घर घर में मान्यता बढ़ती जाएगी। आप खुद देख लीजिए, 15 साल पहले आपका पड़ोसी खाटू जाता था या नहीं जाता था, और आज जाता है कि नहीं जाता। जो लोग कहते हैं किसी के पास प्रसाद लेकर जाना, अगर वो बोले कि मैं प्रसाद नहीं लेता, खाटू वाले को नहीं मानता, उसको बोल के आना कि प्यारे, एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद प्रसाद लेकर मेरे घर आएगा कि तेरे श्याम बाबा ने मेरा पीछा कर दिया। Yeah.
Family, so let
ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ।